और इस बीच बड़ी खबर, वनाग्नि को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। तो कांग्रेस विधायक सुमित रुद्रेश ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, वन विभाग का टोल फ्री नंबर बंद होने पर जताई नाराजगी। तो वनाग्नि का पर्यटन पर बड़ा असर पड़ रहा है, सुमित रुद्रेश की तरफ से ये बात कही गई है। राज्य सरकार सोई हुई है और वन संपदा लगातार नष्ट हो रही है। तो लगातार जिस तरह से वनाग्नि के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। तो वहीं कांग्रेस विधायक सुमित रुद्रेश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वन विभाग का टोल फ्री नंबर बंद होने पर नाराजगी जताई। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर, ये मैंने तीन बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। वहीं पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ते ही अब शहरी और ग्रामीण